हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं में कई ऐसे देवी देवता हैं जिनकी तस्वीर हर जगह नहीं लगानी चाहिए। वैसे तो हर देवी देवता का एक स्थान है और उसके अनुरूप वो हमें फल देते हैं, पर फिर भी हमारे आसपास कई जगहें ऐसी होती हैं जो एक नियत भगवान को समर्पित होती हैं। अतः हमें उन स्थानों पर किसी अन्य देवी देवता का चित्र नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। घर के मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरों को लगाते हुए कुछ बातों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार से वास्तुशास्त्र में घर के हर एक कोने, हर दीवार, दिशाओं को लेकर बातें कही गई हैं, उसी प्रकार घर के पूजा घर में भी लगी भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार देवी देवताओं की तस्वीरें लगाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हमें उन्हें किस दिशा में स्थापित करना है या उनकी किस तरह की तस्वीर को हमने घर में लगाना है। बात करते हैं लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के। हर घर में मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर होती है। ध्यान रखें, आप इनकी ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखें लक्ष्मी गणेश की बैठी हुई तस्वीर या मूर्ति लगाने से घर पर रिद्धि सिद्धि की वर्षा होती है। दिवाली से पहले मनाए जाने वाले धनतेरस पर आप घर कुछ लेकर आए या ना लाए, पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति जरूर लेकर आए। अगर आप गणेश जी की तस्वीर अपने वर्क प्लेस पर लगाते हैं तो उनकी खड़ी तस्वीर लगाएं। ऐसी तस्वीर आपके काम में स्थिरता लाती है। समस्त देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय है श्री गणेश और इनकी विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां अलग अलग उद्देश्य हेतु लगाई जानी चाहिए। बाल गोपाल गणेश, नृत्य करते हुए गणेश, लेटे हुए गणेश या फिर सिद्धि विनायक गणेश। अगर आपके घर के मंदिर में हनुमान जी की तस्वीर है तो ध्यान रखें उनका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। हनुमान जी के भी कई रूप हैं जिनमें भक्त हनुमान, सेवक हनुमान, महावीर हनुमान आदि। इन सभी तस्वीरों को अलग अलग मनोकामनाओं हेतु लगाया जा सकता है। हनुमान जी की प्रतिमा तभी लगाएं जब आप राम दरबार स्थापित कर रहे हों। राम दरबार हनुमान जी के बिना अधूरा है। देवी देवताओं की तस्वीरों में एक ऐसे भगवान हैं जो आपके बेडरूम में लगाए जा सकते हैं। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगाने की सही जगह है आपका बेडरूम। श्री कृष्ण प्रेम के प्रतिरूप हैं। आप चाहें तो राधा रानी जी की तस्वीर के साथ उनकी तस्वीर लगा सकते हैं। पति पत्नी में प्रेम बना रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। मां आदिशक्ति मां भवानी की तस्वीर लगाते हुए ये ध्यान रखें कि वो आशीर्वाद मुद्रा में हो। मां दुर्गा का आक्रामक रूप घरों में नहीं लगाया जाता। यह भी ध्यान रखें कि जिस सिंह पर मां सवार हैं उसका मुंह बंद है कि नहीं। शेर का मुंह बंद ही रहना चाहिए। अगर आप काली के उपासक हैं तो अपने घर में इन्हें घर के आंगन में स्थान दें। वहां एक मंदिर बनवाकर काली मां की प्रतिमा या चित्र लगाएं, क्योंकि ये मां का विध्वंसक और विनाशकारी रूप है। अन्य देवी देवताओं में भगवान शिव, देवी लक्ष्मी, कुबेर और मां सरस्वती की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा में ही लगानी चाहिए। घर में कलेश, अशुभता से बचना चाहते हैं तो रामायण और महाभारत की युद्ध वाली तस्वीर ना लगाएं। किसी भी देव के क्रोधी स्वरूप की तस्वीर को घर में जगह बिल्कुल ना दें। अपने घर में कभी भी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां ना रखें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर पर हमेशा दुखों का साया मंडराता है।
अपने घर के मंदिर में रखी मूर्तियों आदि को एक बार जांच परख लें। कोई भी दरार नजर आने पर मूर्ति को मंदिर से हटाकर बहते पानी में प्रवाहित करें। ऐसी ही विचित्र और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट नैन स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नैन स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।